सभी को नमस्कार। मैं मोहित जनसरोकार मंच टॉक की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस लाइव श्रृंखला में हमारे साथ डॉक्टर इंदिरा जैन मैम जुड़ी है, जो कि डॉक्टर तराना मैम की कहानी संग्रह 108 पर बातचीत करेंगी। डॉक्टर इंदिरा मैम सेवानिवृत्त प्रोफेसर राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय मधुमती जिनवाणी श्रमण उपासक आदि पत्रिकाओं में शोध आलेख और कविताएं इंदिरा मैम की प्रकाशित हो चुकी है। उदयपुर के साहित्यिक मंचों पर काफी विषयों पर अलग अलग मुद्दों पर काफी विचार विमर्श काफी कविताओं की प्रस्तुति इंदिरा मैम के द्वारा दी जा चुकी है। इसके अलावा एक मुख्य बात की जैन दर्शन पर 3 पुस्तकें अभी तक इंदिरा मैम की प्रकाशित हुई है। इसके अलावा जैन समुदाय की काफी पत्रिकाओं में समय समय पर निरंतर आलेख प्रकाशित होते रहे हैं। तो इंदिरा मैम का मैं आज स्वागत करता हूं। आगे की बातचीत को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया मैम, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम आज तराना परवीन जो एक प्रसिद्ध साहित्यकार है, उनकी बहुचर्चित कहानी संग्रह 108 पर विमर्श करने के लिए आए हैं। सबसे पहले मैं आपको तराना का परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर तराना परवीन उदयपुर में 15 अगस्त 1968 को यही इनका जन्म हुआ है। आपके पिता स्वर्गीय प्रोफेसर आलम शाह खान, पूर्व सदस्य राज्य मानव अधिकार आयोग, सेवानिवृत्त डीन प्रोफेसर मीरा चेयर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, आप एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार थे। वर्तमान में तराना एसोसिएट प्रोफेसर अंग्रेजी साहित्य राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर में पदस्थापित है। पूर्व में आप असिस्टेंट डायरेक्टर उदयपुर संभाग, जो कॉलेज शिक्षा राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्ति दी जाती है, उस पद पर कार्य कर चुकी है। आपने अंग्रेजी साहित्य से एमए किया है और आपने पीएचडी अमेरिकन लिटरेचर पर की है। पीएचडी का विषय था सिंक्लेयर लुईस एंड द 1920s, द स्टडी ऑफ थीम्स विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थॉट इन हिज नावल। आप पूर्व में सरस्वती सभा राजस्थान साहित्य अकादमी की सदस्य रह चुकी है, संचालिका सभा राजस्थान साहित्य अकादमी की भी सदस्य रह चुकी है। आपका एकेडमिक अनुभव इस प्रकार है, राजस्थान और गुजरात के कुल 7 विश्वविद्यालयों में 30 वर्ष से आप निरंतर अध्यापन कार्य कर रही हैं और पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर उदयपुर रीजन कॉलेज शिक्षा राजस्थान सरकार द्वारा आप जब चयनित की गई तो आप प्रशासनिक पद पर भी कार्य कर चुकी है। आपका चयन राजस्थान प्रशासनिक संबद्ध सेवा में भी हो गया था, लेकिन आपने उसको ना चुन करके व्याख्याता पद को चुना। अंग्रेजी की 3 पुस्तकें और हिंदी की 1 पुस्तक आपकी प्रकाशित है, द मैन फ्रॉम मैन स्ट्रीट एंड जेज एज, ब्लैक वुमेन हुड इन टोनी मॉरिसस नॉवल्स, फ्रॉम डार्कनेस टू डूम और हिंदी कहानी संग्रह 108। आपकी अन्य अकादमिक उपलब्धियां इस प्रकार है, कई प्रतिष्ठित पत्रिकाएं हंस, इंडिया टुडे, मधुमती, प्रभात खबर, साहित्य नेस्ट आदि में आपकी कहानियां प्रकाशित हो चुकी है। डॉक्टर नामवर सिंह और अन्य वरिष्ठ साहित्यकारों के भी आपने साक्षात्कार लिए हैं। आपकी राजू शायर कहानी इंडिया टुडे के साहित्य वार्षिकी 2017 में सम्मिलित हुई थी। PLF समानांतर साहित्य उत्सव 2020 जयपुर में 2 बहुचर्चित सत्रों में आपने भागीदारी की है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में 23 रिसर्च पेपर आप पढ़ चुकी हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स में 16 रिसर्च पेपर आपके प्रकाशित हुए हैं और कई पुस्तकों में आपने चैप्टर्स भी लिखे हैं। 50 से अधिक कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनारों में आपकी भागीदारी रही है और RASE और ELATAI जैसी संस्थाओं की आप सदस्य है। आपने 5 ट्रेनिंग कोर्सेज भी किए हैं। पुरस्कारों की बात करें तो सिपासा नामा इमर्जिंग टैलेंट अवार्ड अंजुमन तरक्की द्वारा उदयपुर द्वारा आपको दिया गया है और कहानी संग्रह 108 जो राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा हाल ही में आपको सुमित जोशी प्रथम कृति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। आप आलम शाह खान यादगार समिति की सेक्रेटरी है। कई राष्ट्रीय सेमिनार और ऑनलाइन कार्यक्रमों का आप आयोजन और संचालन करती रही है। इन सारी उपलब्धियों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। अब जो हाल ही में आपको राजस्थान साहित्य अकादमी से सुमनेश जोशी प्रथम कृति पुरस्कार अपनी पुस्तक
108 पर मिला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस पुस्तक की जो खूबियां हैं वो ये है कि पहली बात तो ये प्रतिष्ठित प्रकाशक राजपाल एंड सन्स दिल्ली से 2019 में प्रकाशित हुई है, जो कि काफी चर्चित रही है। पुस्तक की समीक्षा देश के जाने माने आलोचकों और लेखकों ने किए, इंडिया टुडे में डॉक्टर पल्लव द्वारा लिखी गई समीक्षा प्रकाशित हुई है। हरीश राय जी, चंडी दत्त शुक्ल, डॉक्टर ललित कुमार श्रीमाली द्वारा आह जिंदगी, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, मधुमति एवं अन्य पत्र पत्रिकाओं में भी इसकी समीक्षा प्रकाशित हुई है। इस कहानी संग्रह की उपलब्धियां है वो मैं बताना चाहूंगी। ये राजस्थान में रहने वाली किसी महिला लेखिका का पहला कहानी संग्रह है जिसे कि राजपाल एंड सन्स दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशक ने छापा है। इसमें सम्मिलित सभी कहानियां हंस, इंडिया टुडे, मधुमति, प्रभात खबर, दीपावली विशेषांक आदि देश के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित है। इस संग्रह में जो राजू शहर कहानी भी सम्मिलित है जिसे कि इंडिया टुडे साहित्यिक वार्षिकी की 2017 में प्रकाशित किया गया था। ये राजस्थान की पहली महिला लेखिका की कहानी थी जिसे इंडिया टुडे ने अपनी वार्षिकी में भारतवर्ष के प्रतिष्ठित 12 कहानी लेखकों में शामिल किया था। और कहानी संग्रह की खासियत ये है कि इसमें सम्मिलित ज्यादातर कहानियां हाशिए पर जी रहे लोगों पर केंद्रित है जिन्हें की कहानी में आज लगभग बुलाया जा चुका है। कहानियां संवादों के रूप में है, पात्र स्वयं अपनी कहानी कहते हैं और नरेटर लगभग गायब है। कहानियों की भाषा बोली पात्रों की भाषा और बोली में ही लिखी गई है। ये सब 108 पुस्तक के बारे में मैंने बताया है। तनाना जी, आपको कैसा लग रहा है ये सब सुनकर के कि आपकी पुस्तक की इतनी चर्चा हो रही है, सभी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं? मैं बहुत खुश हूँ और प्रसन्न हूँ कि इस संग्रह को यह पुरस्कार दिया गया है। किसी भी संग्रह को पुरस्कार दिया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि उसको सोसाइटी ने, समाज ने एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, और इससे लेखक भी बहुत प्रेरित होता है। पर एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी कृति जो है, चाहे किताब हो, कहानी हो, वो किसी भी पुरस्कार की मोहताज नहीं होती है। उसकी उसका अपना एक महत्व होता है। जब वो प्रकाशित होती है, लोग पढ़ते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, और लेकिन जब पुरस्कार मिलता है तो ये एक तरह का प्रचार प्रसार हो जाता है और काफी लोग उसको पढ़ते हैं और उस पर एक बहस छिड़ जाती है। तो ये जो बहस चलती है वह एक लेखक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसको अपनी कमियां अच्छाइयां पता चलती है और उसको आगे बढ़ाने में ये उसकी सहायता करते हैं। बहुत अच्छा कहा आपने कि आपको इससे बहुत खुशी है कि ये आपके लेखन प्रक्रिया को और आगे तक ले जाएगी। अब मैं ये जानना चाहती हूँ तराना जी कि आपके सभी कहानियों के पात्र निम्न वर्गीय है, आप उन्हीं के बारे में ज्यादातर क्यों लिखती है, ये एक मेरा प्रश्न है। जो निम्न वर्ग है वही मुझे आकर्षित करता है, मेरी संवेदनाएं उन्हीं के प्रति जागती हैं और वे ही मेरी संवेदनाओं को झकझोरते हैं। और ये कहा जाता है कि टेलर्स एंड राइटर्स मस्ट माइंड द फैशन। दर्जी को और लेखक को फैशन को दिमाग में रखकर ही लिखना चाहिए, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि आज का जो फैशन है उसमें निम्न वर्ग के बारे में बहुत कम लिखा जा रहा है। पर मैं मजबूर हूँ क्योंकि ये ही लोग हैं जो मेरी अंतरात्मा को छूते हैं और मेरी संवेदना को झकझोरते हैं। फ्रेंड्स, काफ्का ने कहा है कि आपको झुकना नहीं है, आपको एडिट नहीं करना है, आपको अपनी किसी भी चीज को लॉजिकल बनाने के लिए अपनी कहानी में या अपनी कृति में उसको बदलना नहीं है, क्योंकि उसको बदलने का मतलब है आपने अपनी आत्मा को, अपने सोल को फैशन के हिसाब से चला लिया। और मैं भी यह नहीं करना चाहती। और ये ही निम्न वर्ग है, ये जो हाशिए के लोग हैं वो ही मेरी संवेदना के पात्र हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके हाथ पर छाले रहते हैं और इनके हाथों के छाले ही जो आबाद हैं उन लोगों के, इन्हीं लोगों के दम पर उन आबाद लोगों के महल बनते हैं। और इसीलिए ये लोग मेरी संवेदना को जगाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास खाना नहीं है, वह भूखा है, तो उसके हिस्से का जो खाना है वह किसी और की प्लेट में है या किसी और के डाइनिंग टेबल पर सजा है।
यदि किसी व्यक्ति के पास कपड़े नहीं हैं, तो उसके हिस्से के कपड़े किसी और की अलमारी में भरे हैं या फैक्ट्रियों में भरे हैं या किसी और ने उन पर अपना अधिकार जमा रखा है। उसी तरह जिन लोगों के पास घर नहीं है, उनके घर भी, उनके हिस्से के मकान भी उन लोगों ने हथियार रखे हैं जो एक-एक व्यक्ति हैं और बड़ी-बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं। तो मुझे इन्हीं लोगों की के प्रति मेरी संवेदनाएं ज्यादा जागृत होती है। और किसी लेखक ने सही कहा है कि जब भी मुझे जियारत करनी होती है, मैं गरीब लोगों के बीच बैठ जाता हूँ। तो मुझे भी इन गरीब लोगों के बीच में बैठकर बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात कही है आपने कि इस बात से सिद्ध होता है कि आपकी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जो हाशिए पर है, जो कमजोर है। बहुत अच्छी बात है। हर लेखक का अपना एक टेस्ट होता है, हर लेखक की अपनी एक अनुभूति होती है जिसको वो अपने हिसाब से अपने लेखन में ढालता है। अब मैं ये जानना चाहती हूं कि पुस्तक 108 की दो कहानियों को छोड़कर लगभग सभी कहानियों के पात्र पुरुष है। पुस्तक 108 के पीछे भी आपके परिचय में ये लिखा गया है कि स्त्री विमर्श के आम मुहावरों से हटकर जिन युवा लेखिकाओं ने अपने परिवेश का जीवन चित्रण कर विशेष पहचान बनाई है, उनमें तराना परवीन प्रमुख है। महिलाओं पर स्त्री विमर्श ही कहानियां लिखने का आक्षेप लगाया जाता है। यही गाना गाया जाता है कि स्त्रियां सिर्फ अपने घर, पति, बच्चे, सास बहू आदि पर कहानियां लिखती है, पर आपने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मैं मानती हूं कि अगर आधी आबादी स्त्रियों की है तो आधी आबादी पुरुषों की भी है। वे भी दर्द और पीड़ा से गुजरते हैं। कुछ दर्द और पीड़ा गरीबी है जो पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, सभी को बराबरी से खलते हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि पितृसत्ता की वजह से महिलाओं को, स्त्रियों को बहुत लंबे अरसे तक दबाया जाता रहा और आज भी दबाया जाता है। तो मेरी संवेदना हर व्यक्ति से जो कि दुखी है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, उसके प्रति जागती है। और ऐसा नहीं है कि जिन कहानियों में मैंने पुरुष पात्रों को लिया है उनमें स्त्रियां है ही नहीं, उनमें भी स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं उन कहानियों में। तो स्त्रियों पर इस कलेक्शन में मैंने संग्रह पे दो कहानियां इसमें भी शामिल है। एक है नेहर की यादें और दूसरी है बिल्कुल बिल्कुल वीजीआर। और जी बच्चों पे भी दो कहानियां हैं, सबक और एक है राजू शायर। बिल्कुल बिल्कुल और पावलो सियोलो ने कहा था कि जो आंसू हैं वो भी एक तरह के शब्द हैं, और आंसुओं को शब्द की तरह इस्तेमाल कर उन पर जरूर लिखा जाना चाहिए। तो मैं ये बिल्कुल मानती हूँ हाँ कि आंसू स्त्री के हों, पुरुष के हों, बच्चों के हैं, किसी के भी हों, चाहे जानवरों के हों, चाहे पेड़ पौधे के हों, चाहे नेचर के हों, उनके बारे में हमें लिखना बहुत जरूरी है। अब एक बतौर लेखक हम किसी को भी स्त्री या पुरुष के अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि जो भी व्यक्ति पीड़ित है वो ही हमारा पात्र बन जाता है। तो किसी ने सही कहा बिल्कुल है कि साहिल पे बैठकर यूं सोचते हैं आज कि ज्यादा मजबूर कौन है। ज्यादा मजबूर वो लहर है जो ठहर नहीं सकती, या ज्यादा मजबूर वो किनारा है जो चल नहीं सकता। अब इस दुनिया में किनारा और लहर दोनों ही मजबूर हैं। कभी स्त्री किनारा बन जाती है, कभी पुरुष किनारा बन जाता है, कभी स्त्री लहर बन जाती है, कभी पुरुष लहर बन जाता है। तो दोनों में से जो भी पीड़ित होता है वो ही हमारी कहानी में आ जाता है। और कहानी में जब लिखते हैं तो हमारे सामने जो पहले आता है, जैसे कोई पुरुष पीड़ित पुरुष आया तो उस पर कहानी लिख दी, कोई स्त्री आई उसके बाद तो उस पर लिख दी। तो जीवन के रास्ते में चलते चलते जब जब जो जो पीड़ित व्यक्ति आता है उस पर कहानियां लिखती रहती हूं मैं। और ये जरूरी नहीं है कि पहले दो पुरुष आए तो उन पुरुषों पे लिखी, या दो बाद में वो आए। तो मैंने बाद में बहुत सी कहानियां स्त्रियों पर भी लिखी हैं। बहुत अच्छा कहा आपने। इस आपके वक्तव्य से ये पता चलता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि हर दुखी व्यक्ति में जो संवेदना है वो आपको प्रभावित करती है। और तराना जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वास्तव में संवेदनशीलता ही जीवन है, चाहे वो पुरुष में है चाहे स्त्री में है। मतलब जो भी चेतन है उसकी संवेदनशीलता यदि आपको प्रभावित करती है तो
तो आप अपने लेखन को बहुत आगे तक ले जाएंगी, ऐसा मैं सोचती हूँ। एक प्रश्न और आगे ये मन में आ रहा है कि आपकी सभी कहानियां संवाद के रूप में लिखी गई है जो कि नाटक विधा में होती है, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कारण है कि आपकी सारी कहानियां संवाद शैली में ही लिखी गई है? 108 की जो कहानियां मैंने पढ़ी है। जी, मेरा ये मानना है कि संवाद जो है वो भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से प्रेषित करते हैं। एक व्यक्ति, एक पात्र, वो खुद अगर अपनी बात कहे, अपनी बोली में कहे, अपने लहजे में कहे, तो वह लेखक पाठक के मन में ज्यादा अच्छी तरह से अंदर उतर जाता है और लोग उसे जल्दी समझ लेते हैं। और इसके लिए लेखक को पात्र की जिंदगी या पात्र की भावनाओं को जीना पड़ता है, उसको स्वयं को पात्र की जगह रखकर सोचना पड़ता है कि यदि मैं ऐसा होता, मैं अनपढ़ गंवार होता, या मैं 8वीं पास होता, 10वीं पास होता, और मेरी परिस्थितियां ऐसी होती, हाँ, मैं इन पीड़ाओं से पीड़ित होता, और ये मेरी भाषा होती, तो मैं कैसे बोलता और मैं कैसे क्या कहता। तो मेरी भाषा भी यही है, जो आम लोग जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, मैं भी वही भाषा, बहुत आम बातचीत की भाषा ही अपनी कहानियों में लिखती हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपकी जो कहानियां है उनके पात्र अपनी स्वाभाविक बोली में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, और ये जो आम बोलचाल की भाषा या जिसे हम मदर टंग कहते हैं, वो उस भाषा में जब पात्र अपनी बात कहता है तो वो पाठक को भी बहुत जल्दी प्रभावित करती है, उसके हृदय में भी वो पात्र बहुत जल्दी उतर जाता है। दूसरा प्रश्न मैं ये जानना चाह रही थी कि आपकी कहानी है राजू शायर, जो इंडिया टुडे साहित्य वार्षिकी 2017 में देश के 9 अन्य प्रतिष्ठित साहित्यकारों के साथ प्रकाशित हुई है। इस कहानी ने संपूर्ण भारतवर्ष में लोगों को बहुत प्रभावित किया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इस पात्र और कहानी के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा कुछ बताएं। राजू शायर कहानी एक 12 साल के बच्चे की कहानी है जो कि बहुत गरीब है, पर उसने शायर बनने के सपने देख लिए हैं और वह बड़ा होकर शायर बनना चाहता है। अब असलियत तो यह है कि वह माउंट आबू में छोटे छोटे शेर, जो पुस्तकें मिलती हैं बस स्टैंड पर, उनको थोड़े याद कर करके पर्यटकों को सुना देता है। अगर आप कभी माउंट आबू गए हैं तो ऐसे छोटे राजू शायर आपको कई मिल जाएंगे। तो मैं इसके बारे में और कुछ कहने की जगह थोड़ा सा इस कहानी में से पढ़ देती हूँ। जी, शेर शायरी सुनो, ओ शेर शायरी सुनो और खुश हो जाओ, माउंट आबू का मजा लो राजू गाइड के साथ, शेर शायरी का मजा लो, शेर शायरी, शेर शायरी, मैडम साहब शेर शायरी सुनो। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में समुद्री तट से 1722 मीटर ऊपर गुरु शिखर, अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं की सबसे ऊंची चोटी, जिस पर चढ़ने के लिए करीब 100 सीढ़ियां हैं, कि करीब 90वीं सीढ़ी पर एक कोने पर कॉलर फटी पीली टी शर्ट पहने खड़ा था 4.5 फुट करीब 12 बरस का राजू शायर उर्फ राजू गाइड, चिल्ला चिल्ला कर अपनी हल्की पतली आवाज में ऊपर से नीचे उतरती और नीचे से ऊपर चढ़ती हांफती कांपती भीड़ को आकर्षित कर अपनी शायरियों को बेचने की कोशिश करता। 100 सीढ़ियां ऊपर चढ़ते वक्त गुरु शिखर तक पहुंच कर वहां से नीचे का नजारा देखने या मंदिर की घंटियों को बजाने को आतुर लोगों के रेले को सिर्फ पानी, थम्स अप, लिमका या किसी ऐसी चीज की तलब होती जो तन को ठंडक पहुंचाए। दिमाग की किसको पड़ी थी, उतरते वक्त हजारों फीट नीचे का खूबसूरत नजारा, जहां घर, खेत खलियान, नदी नालों का अस्तित्व सिर्फ कागज के नक्शे पर बनी रेखाओं की तरह हो जाता है, लोगों को वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करने, सेल्फी लेने से फुर्सत कहाँ होती। ऊपर चढ़ते वक्त तो लोगों की सांस इतनी फूली होती है कि वे अपने साथ आए दोस्त, नाते, रिश्तेदारों को भी भूलकर सिर्फ बाकी बची सीढ़ियों और अपनी सांसों की गिनतियों को याद रखते हैं। ऐसे में राजू शायर की शायरी सुनने की फुर्सत किसे और कहाँ थी? अगर वह कुछ ठंडा, आइसक्रीम, कुल्फी या कुछ छोटे बच्चों के खिलौने ही बेच रहा होता,
तो भी कोई बच्चा जिद कर खरीद लेता। लोग राजू शायर को देख कर भी नहीं देखते और सुन कर भी नहीं सुनते। इसके बाद राजू शायर को एक स्कूल टीचर मिलती हैं, वो उससे पूछती हैं, तेरे माँ बाप ये धंधा छोड़ स्कूल जाने को नहीं कहते? कविता ने बड़े अपनेपन से चिंता जताते हुए कहा, मैडम पहली बात तो ये कि ये शेर शायरी सुनाना धंधा नहीं होता। बापू तो बहुत नफरत करता है इस धंधे से, कहता है कि वो मेरा बापू नहीं। पहले बापू रोज मेरी माँ को पीटता भी था, कहता था कि ये शायर मेरा बेटा नहीं हो सकता, बोल किस सैलानी का बेटा है, पर अब नहीं कहता। तो ये राजू की हकीकत थी और शायर बनने का उसका सपना पूरा नहीं हो सका। वो हाँ मैडम को हाँ कुछ और भी बातें बताता है, मैडम अपने दिल की बात कह दूं तो किसी से कहोगी तो नहीं? हाँ बहुत हाँ दिनों बाद नहीं, शायद पहली बार किसी ने पूछा है कि मैं खुश हूं कि नहीं, इसलिए आपको सब बताने का मन होता है। वैसे तो अपने जन्म स्थान की बुराई करना पाप है, पर वो भी माउंट आबू जैसे हिल स्टेशन की, और जिस धरती पर आप दाना पानी खा पी रहे हो, पर हमें तो बस यहाँ पानी ही मिल रहा है, दाना नहीं। इसलिए इस जगह को कोसते हैं। मेरे बापू कहते हैं कि काश हम यहाँ नहीं रहकर कहीं और रह रहे होते, चाहे वह रेगिस्तान ही क्यों ना होता। बस जहां भी होते, 2 जून की रोटी का जुगाड़ हो जाता तो हमारी दुनिया सुंदर हो जाती। ये कुदरत की सुंदरता, ये ताजा हवा हमारे किस काम की? हमें न तो यहाँ की सुंदरता खुशी देती है, न यहाँ की ताजा हवा सेहत देती है। सुंदरता और ताजा हवा से पेट कहाँ भरता है मैडम? राजू की घरेलू हालत इतनी खराब थी कि अंत में उसको शेर शायरी छोड़कर मैडम की गाड़ी साफ करना पड़ता है, और लोगों की गाड़ियां साफ कर उसको फिर पैसे कमाने ही पड़ते हैं। जब मैडम उससे कहती हैं कहानी के अंत में, अरे तू यह क्या धंधा कर रहा है? तू तो कभी गाड़ी साफ नहीं करता था ना, शायर साहब बिकाऊ कैसे हो गए? कविता उसको अहम को ठेस पहुंचाने के लिए बोली, मेम साहब मजबूरी में यह धंधा करना पड़ा, 4-5 दिन से कुछ कमाई ही नहीं हुई और बापू की तबीयत बहुत खराब है। माँ ऐसी हालत में उसे अकेला छोड़कर लकड़ी लेने भी नहीं जा सकती। 3 दिन से घर में अनाज का एक दाना नहीं है और घास फूस खाई नहीं जाती। छोटे भाई बहन, राजू की आवाज थर्रा कर चुप्पी में बदल गई। गाड़ी के बोनेट पर राजू के आंसू टपाटप गिरने लगे, जिनके निशान मिटाने के लिए उसने हाथ में पकड़ा हुआ गाड़ी साफ करने का कपड़ा आंसुओं पर डाल दिया और उसके हाथ तेजी से गाड़ी साफ करने लगे। आंसुओं से भीगी राजू की आंखें थोड़ी धुंधला गई और गाड़ी आंसुओं से भीगे कपड़ों की रगड़ से थोड़ी चमक उठी। चमचमाती। बहुत अच्छा लिखा है आपने इस कहानी में कि दुनिया में जो प्राथमिक जीवन के लिए आवश्यकताएं हैं उसमें सबसे जरूरी खाना है, पेट की आग सबसे बड़ी आग होती है, और अगर वो नहीं बुझती है तो सारी सुंदरताएं, प्राकृतिक सुंदरताएं, स्वच्छ ऑक्सीजन, जिन सब की बातें वहां आए हुए सैलानी करते हैं, राजू के लिए वो सब दूसरे पायदान पे हैं। पहले पायदान पर राजू के लिए जरूरी है कि कम से कम उनका और उसके घर वालों का पेट भर सके। इस कहानी में राजू शायर के माध्यम से आपकी ये भाव पूरी तरह से जीवंत हो उठे हैं। अगला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपकी कहानी 108, जो कि हंस में 2013 में प्रकाशित हुई थी, वो काफी चर्चित रही है। आप बता सकते हैं कि इसके क्या कारण है कि ये कहानी इतनी चर्चित कैसे रही है? ये तो आप ही बता सकती हैं क्योंकि आपने पढ़ रखी है कहानी। मैं इसके बारे में क्या बताऊं, आप जरा बता दीजिए। कई बार प्रश्न अच्छा, पूछने वाला खुद ही उत्तर वो दे भी दे उत्तर देना तो वो पड़ता बहुत अच्छी, उसको भी उत्तर देना पड़ता है है। और वो अच्छे से चलो उत्तर दे सकता मैं बता देती हूँ। देखिए, जैसा कि इस पुस्तक है। का नाम भी आपने इसी कहानी के आधार पर 108 लिखा है, इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो महेश इस कहानी का नायक है, जो 108 गाड़ी चलाता है और मुर्दापुर ढोने का काम करता है या जो लोग घायल हो जाते हैं उनको अस्पताल पहुंचाने का काम करता है, एक बार उसके मन में ये आ जाता है कि जिंदगी बहुत भागदौड़ वाली हो जाती है। इतनी भागदौड़ वाली हो जाती है कि दूसरों को अस्पताल पहुंचाते पहुंचाते या मुर्दों को घर
पहुंचाते पहुंचाते उसके अपने घर वालों की क्या स्थिति है उसका तो उसको भान ही नहीं रहता है, उसको संज्ञान ही नहीं रहता है। तो वो ये सोचता है कि मैं इसको छोड़ दूं, हालांकि उसके दोस्त उसे बहुत समझाते हैं कि व्यक्ति का काम जिस काम में मन रम जाता है उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है, पर वो सोचता है कि नहीं अब मैं इसको बदल कर देखता हूँ, और वो टेम्पो चलाने का काम करने लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो टेम्पो चलाने जब लगता है तो उसको ये महसूस होता है कि ओहो, मुर्दों को ढोना बहुत आसान था, लेकिन मानव होने के नाते वो सोचता है कि वो ये क्या जिंदगी है दिन रात दौड़ना। लेकिन जब उसका सामना समाज के उन जीवित लोगों से होता है जहां पर न्याय ऐसे चलता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उसे लगता है ओहो, मुर्दों को ढोना और बीमारों को अस्पताल पहुंचाना ज्यादा ठीक है। जब ये अंतिम भावना उसके मन में आती है तो ये कहानी की चरम स्थिति है कि उसकी संवेदना का स्तर टूटता नहीं है। और एक अंतिम पैराग्राफ छोटा सा मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ, जो इस कहानी का पूरा सारांश है कि किस तरह से मुर्दा ढोना उसको पसंद है, अस्पताल ले जाना मरीजों को उसको पसंद है, लेकिन जो समाज व्यवस्था ऐसी हो रही है कि जीवित व्यक्ति कोई कार्य करना चाहे तो उसके लिए उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो शायद महेश सहन नहीं कर पाता है। महेश जब टेम्पो चलाने लगता है तो कितनी अड़चने उसके बीच में आती है, और वो जो स्थिति है कि जो महिला होती है उसको टक्कर लग जाती है, वो सड़क पर पड़ी है, लेकिन कोई भी व्यक्ति पास जाकर न उसको उठाना चाहता है न 108 को बुलाना चाहता है। तो उस समय महेश की संवेदना जाग उठती है और वो टेम्पो निकालने के लिए भीड़ को दूर करता हुआ चिल्लाया, क्या तमाशा देख रहे हो, कोई भी मर्द नहीं है क्या, घायल को अस्पताल नहीं ले जा सकते, साले इंसान हो कि मुर्दे। चमना के साथ मिलकर महिला को टेम्पो में उठा के रखा तो थोड़ा चैन आया। ये कहानी की चरम परिणति है कि उसको आनंद की अनुभूति, उसको चैन की अनुभूति तभी होती है जब वो इन संवेदनाओं को अपने अंदर देखता है। कई दिन से टेम्पो में अपने आप चढ़ते उतरते जिंदा लोगों को देख देख कर उसको बहुत अजीब सा महसूस होता था। उसको लगता है इनसे तो मुर्दे ही ठीक है, जो कम से कम बोलते नहीं है, चुपचाप पड़े रहते हैं और कुछ गलती तो नहीं करते। तो इस कहानी की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि महेश के अंदर अंत तक संवेदना का वो स्तर कायम है, उसने वो छोड़ा नहीं है। कितनी विपरीत परिस्थितियां आने पर भी वो उस संवेदना को स्वयं जीता है, भोगता है और उसे महसूस भी करता है। तो इसीलिए शायद ये कहानी आपकी बहुत चर्चित रही है, बहुत सारे लोगों ने इसकी बहुत प्रशंसा की है कि इस कहानी में वो है जो वास्तव में आपके अपने विचार हैं, आपकी अपनी अनुभूति का स्तर है। इस बातचीत को आगे जारी रखते हुए अब मैं ये जानना चाह रही हूँ, आपकी एक और कहानी है जो बहुत प्रसिद्ध है और जो एक स्त्री विमर्श के लिए अनोखा प्रयोग है, वीजीआर जो कहानी का नाम है, इसके बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। वीजीआर के बारे में आप बताइए कि कैसे आपके मन में इस कहानी का कथ्य उभरा और इतने अच्छे ढंग से कैसे आपने इस कहानी को लिख दिया। वीजीआर का फुल फॉर्म है विक्टिम ऑफ गैंग रेप। मैं ऐसी एक लड़की से मिली थी और उसने अपनी भावनाएं भी एक्सप्रेस की मुझे और बताया कि दीदी मेरे साथ ऐसा हुआ है, पर मैं अब शादी करना चाहती हूँ, पर कोई लड़का मुझसे शादी करने को तैयार नहीं हो रहा। मुझसे ऐसा क्या गुनाह हो गया जो मैं माँ नहीं बन सकती, मैं अपना परिवार, मेरा परिवार नहीं हो सकता, मेरे बच्चे नहीं हो सकते। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह बच्चों के लिए टिफिन बनाऊं। तो उसकी छोटी छोटी जो थी इच्छाएं, उसको सब मारना पड़ रहा था। तो उसी को लेकर मैंने ये कहानी लिखी थी। और उस लड़की ने अखबार में कहानी है इस तरह से शुरू होती है। अखबार में वैवाहिकी में एक विज्ञापन पढ़कर सुधीर चौंका, चाहिए सुयोग्य वर, सामूहिक बलात्कार पीड़िता वीजीआर विक्टिम ऑफ गैंग रेप के लिए उम्र 34 वर्ष, एमए बीएड, पांचों अभियुक्तों को उम्र कैद, धर्म जाति बंधन नहीं, sgp@gmail.com और फोन नंबर। तो ये लड़की किसी को धोखा नहीं देना चाहती है। उसने अपने वैवाहिकी में ही छपवा दिया कि वह एक गैंग रेप पीड़िता है, ताकि जो भी उसके पास आए उसको इस सच्चाई का पता चले। होना इससे चाहिए। पता चल जी हाँ
उसके बाद क्या होता है, कैसे एक लड़का उसके करीब आता है। पहले तो वह भी उससे अजीब लगता है उसको कि कैसी लड़की है, इसमें कितना ईगो है, और माँ बाप भी कहते हैं कि यह सब बताने की क्या जरूरत है। जी और जी अंत में उसको एक ऐसा पुरुष मिल ही जाता है जो उसकी सच्चाई को स्वीकार करता है और उसे अपनाता है। हाँ, तो आपकी कहानी यथार्थवादी तो है ही, साथ में जी सबसे बड़ी बात यह है कि किसी पुरुष ने इस यथार्थ को स्वीकार कर लिया, मतलब समाज बदल रहा है। ये भी एक जी स्वीकारोक्ति है कि जी यथार्थ परक कहानियों को लिखने का ये उद्देश्य सफल हो रहा है कि जो यथार्थ है पुरुष ने उसको स्वीकार किया। इसलिए ये कहानी बहुत जी ही प्रेरणास्पद कहानी है। तराना जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, जो एक साधारण सा प्रश्न है, कि आप अंग्रेजी की व्याख्याता है, निश्चित रूप से आपने बहुत सारा अंग्रेजी लिटरेचर भी पढ़ा होगा, लेकिन सालों से फिर भी जी आप हिंदी में ही लिखती आ रही हैं, तो हिंदी भाषा के प्रति आपके इस मोह का क्या कारण है? हिंदी तो मेरी मातृभाषा है, तो उससे मोह भी जम जाती है। जब मेरा जन्म हुआ तो मैंने सबसे पहले माँ कहना ही सीखा, मैंने मॉम नहीं कहा होगा। और उसके बाद जी भी जब जब मैंने अपनी मम्मी से अम्मी कहते थे उनको बात की, तब यही कहा, अम्मी आप कैसी हो, तो मॉम शब्द मेरे दिल को नहीं छूता है, और अम्मी मम्मी ये शब्द ही मेरे दिल को छूते हैं और दिमाग को सुकून भी देते हैं। हिंदी भाषा जो है मेरे दिल के करीब है और दिमाग को भी। हिंदी में बोलने के लिए, लिखने के लिए मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता है। और जी अगर जी जी अंग्रेजी हूँ तो सही संवेदना, भावनाओं को प्रकट करने के लिए सही शब्द कौन होगा, इस कौन सा होगा, इसके लिए मुझे ढूंढना पड़ता है। हालांकि मैं अंग्रेजी जी में जी लिख जी सकती हूँ, तो मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और जी जी हिंदी में जी लिखते जी वक्त सारे डायलॉग हम जैसा बोलते हैं, जैसा सुनते हैं, उसको यों का यों लिख देते हैं, कुछ सोचना नहीं पड़ता भाषा के बारे में। हिंदी में लिखने से आप अपने भावों को ज्यादा अच्छे से अभिव्यक्त कर पाती है। कारण यही है कि जिस भाषा को सुन करके बोल करके हम बड़े होते हैं, जो हमारी बोलचाल की भाषा होती है, जो हमारी मातृभाषा होती है, उसमें सही हमें बात, सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती है और वो हमारी भावनाओं को बहुत अच्छे से अभिव्यक्त कर पाती है। आपकी जितनी भी कहानियां मैंने पढ़ी हैं, उन कहानियों के जो पात्र हैं वो वास्तव में अपनी मातृभाषा बोलते हैं, जैसे वो हैं उसी प्रकार शब्दों का प्रयोग करते हैं, और इसीलिए आपकी कहानियां इतनी सशक्त बन पाई है। मैं ये जानना चाह रही हूं कि आपकी पहली रचना कौन सी थी और वो कब प्रकाशित हुई थी? मेरी पहली रचना एक छोटी सी कविता थी, 4 पंक्तियों की। अच्छा उसका नाम था, जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, और उस कविता का अच्छा नाम बचपन था में बीज पड़ चू गए। अच्छा चू चू चिड़िया। उसकी 2 लाइंस मुझे अच्छा याद है, चिड़िया चू चू करती है, दाना दुनका लाती है, और बस यही याद है मुझे अब तो। और वो पराग में अच्छा छपी अच्छा थी, और उस कविता अच्छा के लिए मुझे उस टाइम पर ₹25 मिले ओहो, तो बहुत बड़ी बात है, उस समय ₹25 मिलना। थे। हाँ, तो उस ये पच्चीस आज रुपए तुम्हें नई जानकारी को मिली है मैंने कि आप बाल मनोविज्ञान वाली कहानियां भी लिख सकती हैं, क्योंकि आपने सबसे पहले बच्चों के लिए लिखना शुरू किया है। तो तराना जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कहानी लेखन में आपकी शक्ति क्या है, आप किसको अपना बहुत बड़ा पावर या शक्ति के रूप में मानती हैं? वो 2 चीजें हैं, एक तो मेरी संवेदनशीलता और दूसरा है जी कल्पनाशीलता। इन दोनों के बिना कहानी लिखना संभव नहीं होता है। जी संभव एक लेखक का कल्पनाशीलता बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब एक लेखक 2 बार एक कहानी को जीता है, एक तो जब वो उस कहानी की सच्चाई देखता है, सच्चा रूप देखता है, जैसे हम किसी से मिले बिल्कुल उसकी बिल्कुल स्थिति देख, तो वो सच्चाई में कहानी देखी। अब जब इस सच्चाई, क्योंकि सच्चाई तो कहानी के फॉर्म में नहीं होती है, टुकड़ों टुकड़ों में होती है, उसको जब कहानी का बिल्कुल रूप देना होता है, तो हम उन टुकड़ों टुकड़ों को अपनी कल्पनाशीलता से ही जोड़ सकते हैं। बाकी उसके बिना जी आप किसी भी सच्चाई को कहानी में नहीं ढाल सकते, उसमें कई गैप्स होते हैं जो आपको भरने पड़ते हैं, और उन गैप को भरने के जी लिए कल्पनाशीलता बहुत ही काम में आती है। और जब कहानी को अंत करना है, उसको कौन सा मोड़ देना है,
वो भी आपकी कल्पना शक्ति पर ही निर्भर करता है। दूसरी जो चीज है वो है संवेदनशीलता। मैं काफी संवेदनशील भी हूँ, और क्योंकि संवेदनशीलता ही आपको पात्र के मन तक, उसकी क्या गति है, उसको क्या सोच रहा है, वो कितना दुखी है, वो आप उसी से पता कर सकते हैं। और कहा भी गया है कि अगर लेखक के आंखों में आंसू नहीं है तो पाठक के आंखों में भी आंसू नहीं होंगे, नहीं आ पाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। वो नहीं ला सकता आंसू जब तक कि वो खुद दुखी नहीं है। और अगर लेखक के खुद आश्चर्यचकित नहीं होता है अपनी रचना को देखकर, तब तक नहीं पाठक भी आश्चर्यचकित नहीं होगा। तो हो ये पाएगा, दोनों बिल्कुल। चीजें तो दोनों चीजें संवेदनशीलता पर ही निर्भर करती हैं। बिल्कुल 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 सही कहा आपने कि और एक और लेखक ध्यान। हैं, इंग्लिश के हैं, जॉन स्टेनबेक, जिन्होंने ये कहा है कि आइडियाज जो होते हैं खरगोश की तरह होते हैं, बहुत तेजी से जो दौड़ते हैं। अगर आपने किसी अच्छा, खरगोश को पकड़ लिया, एक दो को पकड़ लिया और आपने जान लिया कि उनको कैसे हैंडल करना है, उन आइडियाज को कैसे कहानी का रूप देना है, तो कुछ ही समय में आप डजन्स ऑफ आइडियाज आ जाएंगे। आपको उनको कैच करना अच्छा। चाहिए और फिर उनको कहानी के का रूप देना आना चाहिए। अंग्रेजी साहित्यकार तो वो खरगोशों की बात करते हैं, लेकिन जो भारतीय काव्य शास्त्र के सिद्धांत है उनमें भी ये बताया गया है कि किसी कविता का सृजन करने के लिए या साहित्य का सृजन करने के लिए भावना और कल्पना का होना किसी भी कवि में या लेखक में आवश्यक है। बिना कल्पना और भावना के कोई भी कृति साहित्य तो नहीं बन सकती, ऐसा हमारे प्राचीन काव्य शास्त्रियों ने ही कह दिया था। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर ये दोनों गुण मौजूद है और इसी से आपकी लेखन शैली इतनी मजबूत बन पाई है। तराना जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि आपकी कितनी कहानियां ऐसी है जो अधूरी पड़ी है या जिनको अभी प्रकाशन का इंतजार है। प्रकाशन तो तब होगा जब वो पूरी होंगी। मेरी 3-4 दोनों कहानियां प्रश्न हैं जुड़े जो, हुए हैं एक दूसरे से। अच्छा हाँ, मेरी 3-4 कहानियां हैं जो अधूरी पड़ी हुई हैं। कुछ कहानियां मैंने कोरोना के दौर में लिखी थी, वो अभी जी मैंने जी अधूरी छोड़ दी है, और उनको जब मैं पूरी करूंगी, जब ही प्रकाशन के लिए दूंगी। और मैं क्या बहुत जी कहानियां लिखती हूँ, मैं कोई साल भर में 2012 से लेके अब तक मैंने सिर्फ 15 या 16 कहानियां लिखी होंगी। जी जी जब तक मुझे यह नहीं हो जाता कि इस कहानी के साथ में न्याय कर सकती हूँ, तभी मैं उसको जी पूरा लिखना लिखती हूँ। जी 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 कोई बात नहीं। कहानियां भले कम लिखी गई हैं, लेकिन वो बहुत सशक्त है। पाठक उनको पढ़कर के आनंद की अनुभूति भी करता है और संवेदना के स्तर पर आपकी कहानियों से जुड़ता भी है। मैं जानना चाह रही थी कहानियां लिखने में, ये तो आपने बता दिया कि आपको बहुत समय लगता है, पर क्या आप कहानियां लिखने के लिए बहुत रिसर्च भी करती हैं, मतलब कुछ और भी पढ़ती हैं, या कहानियां लिखने के लिए दूसरे ज्ञान की आवश्यकता भी आपको महसूस होती है? एक लेखक वैसे होने तो के हम नाते आप क्या साल भर कहना ही कुछ ना चाहेंगे? कुछ पढ़ते रहते हैं दूसरों की कहानियां, और जी क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ी हुई हूँ तो नॉवेल्स वगैरह पढ़ते रहते हैं हम। पर अपनी जी कहानी के लिए आपको उन संवेदना से ही गुजरना पड़ता है, और जी बहुत आपको सोचना भी पड़ता है, और तभी आप अपने अंदर लिखने की वो शक्ति पैदा कर सकते हैं। और यह भी जी कहा जी गया है कि वह बहुत देर तक सोचता रहा, उसे शायद सच बोलना था। तो जब सच बोलना होता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचता है, रिसर्च या सर्च करता रहता है, और जब उसको यह तसल्ली हो जाती है कि हाँ, मैं अब इस विषय पर पूरा, मुझे कॉन्फिडेंस है और मैं इस कहानी को अच्छी तरह से पूरा कर सकता हूँ, तब मैं लिखने जी बैठ जाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब है कि जो तीसरा गुण लेखक में होता है ना, कि सत्यता की पूरी परख करना, उसकी ओर भी आप पूरी तरह सचेत हैं कि किसी कहानी को लिखने से पहले आप उसकी सत्यता की परख भी कर लेती हैं। प्रश्न ये है कि कहानी लेखन आपको शक्ति से भर देता है या वो थकाने वाला और उबाऊ महसूस होता है?
क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रश्न पर? हाँ, मैं कहना चाहूंगी, बहुत अच्छा प्रश्न है। जब तक मैं लिखती नहीं हूँ और मेरे दिमाग में कोई आइडिया कहानी का चलता रहता है, तब तक मैं बहुत महसूस करती हूँ और बहुत परेशान रहती हूँ। लेकिन एक बार जब मैं उस कहानी को लिख देती हूँ, पूरी कर देती हूँ, तो मुझे अपने आप बहुत शक्ति महसूस होती है। वह इसलिए खुशी होती है कि चलो ये कहानी पूरी हो गई, खुशी इसलिए कि जो दिमाग में इतने दिन से चल रहा था वह मैंने बोल दिया। अगर मैं नहीं बोलती, चुप रहना कायरता की निशानी है। आपने कुछ बोल दिया तो आपको अच्छा लगेगा कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। साहित्य में जिसके लिए कहा जाता है ना, सृजन पीड़ा, प्रसव पीड़ा जैसे सृजन पीड़ा होती है, शायद आप ये कहना चाहती है कि जब तक कहानी का सृजन नहीं होता तब तक आप उस पीड़ा से गुजर जाती है। और जैसे प्रसव पीड़ा के बाद में जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ असीम आनंद से भर जाती है, उसी प्रकार कहानी का जन्म होने के बाद आपको भी वो आनंदित करती है, ऐसा मैं सोच रही हूँ कि आप यही कहना चाहती हैं। जी जी बिल्कुल, यही कहना चाहती हूँ। एक प्रश्न बिल्कुल आपके निजी जीवन से जुड़ा हुआ है कि कहानी लिखने से लेखक बनने के लिए आप क्या सोचते हैं कि आपको कौन सी आदत छोड़ देनी चाहिए जो आपको लेखन में बाधा पहुंचाती है? वो आदत है आलस। जो सभी कार के साथ जुड़ा हुआ है। लिखती नहीं हूँ, आलस करती हूँ, कल लिखूंगी, परसों लिखूंगी, अरे और उस चक्कर में मैं थोड़ा स्ट्रेस में भी होती हूँ और मैं फिर क्या टीवी के सीरियल्स देखना शुरू कर देती हूँ, बिंज वॉचिंग कर देती हूँ और इस तरह टाइम पास करती रहती हूँ। पर फिर मुझे यही लगता है कि ये मैं इसलिए करती हूँ कि मुझे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं बहुत अच्छा लिख पाऊंगी या इस कहानी को अच्छी तरह से पूरा कर पाऊंगी। इसमें कई बात है कि वह बहुत देर तक सोचता रहा क्योंकि वो सच बोलना चाहता था, सच बोलने के चक्कर, अच्छा लिखने के चक्कर मैं उसको पोस्टपोन करती रहती हूँ। बहुत अच्छी बात है, पर इस आदत को आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा तो आप हमारे लिए और अच्छी और ज्यादा कहानियां लिख पाएंगे। देखिए जो अंत इस अंत में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको आपको पूछना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि आपकी सभी कहानियां एक कड़वे यथार्थ को समाज के सामने रखती है, आप क्या सोचती हैं यथार्थ से क्या समाज में परिवर्तन हो पाएगा? क्योंकि साहित्य का जो उद्देश्य है वो यही है, या तो वो दर्पण होता है या वो समाज को कोई सीख देता है, समाज को कोई अच्छाई बताता है। तो आप क्या सोचती हैं कि क्या ये यथार्थ समाज में किसी प्रकार का परिवर्तन ला पाएगा? बिल्कुल, यथार्थ ही तो परिवर्तन लाता है साहित्य को, जो समाज का आईना कहा जाता है, तो समाज को हमें आईना दिखाना पड़ता है क्योंकि आजकल हर व्यक्ति इतना बिजी हो गया, उसको अपनी समस्याओं के अलावा किसी और की समस्या दिखाई ही नहीं देती। तो समाज में जो ये दुख दर्द हैं, जो समाज के जख्म हैं, वो घाव उनको दिखाने पड़ते हैं ताकि आदमी ये सोचे कि भाई मेरे अलावा, मेरे जो दुख हैं परेशानी, उसके अलावा दुनिया में और बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां हैं जिससे ये समाज ही खत्म हो जाएगा। और अगर हमने समय रहते उन जख्मों का इलाज नहीं किया तो पूरे शरीर में वो पॉइजन है फैल जाएगा और समाज ही खत्म हो जाएगा। तो समाज को बचाने के लिए हमें कहानी के द्वारा लोगों को इस समाज की जो कड़वी सच्चाई है जिसको वो देखना नहीं चाहते, उसको दिखानी पड़ती है। बिल्कुल आप सही सोचती हैं, और इससे व्यक्ति जो दूसरे लोग इन कहानियों को पढ़ते हैं उनको ये उनके दुखों का विरेचन भी होता है। कैसे कि वो होता ना, एक लाइन के पास में दूसरी लाइन छोटी खींचती जाए तो वो लाइन बड़ी दिखाई देती है, और बड़ी खींचती जाए तो वो छोटी दिखाई देती है। तो आपकी जो कहानियां हैं, आप ये कहना चाहती है कि वो जो यथार्थ है उसको जानकर अगर वास्तव में कोई व्यक्ति दुखी है तो उसे ये महसूस होगा कि उससे दुखी भी लोग दुनिया में है, और जो वास्तव में दुखी नहीं है तो उनको ये संवेदना महसूस होगी कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग रहते हैं। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कुछ संदेश देना चाहती है, समाज को कोई संदेश देना चाहती है कि यथा आपकी कहानियों के माध्यम से, आपके लेखन के माध्यम से आप समाज को बारे में क्या कहना चाहती है, समाज को क्या संदेश देना चाहती है? मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों पर लगा देना,
जी जी हकीम बहुत है अमीरों के इलाज के लिए, बहुत अच्छी बात है, तो गरीबों के जख्मों पे मलहम लगाइए। अमीरों के इलाज के लिए तो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें अपने साथ दूसरे जो लोग हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। अगर आपके पड़ोस के घर में कोई शादी हो रही है तो शादी का शोर आपको परेशान करेगा, अगर आपके पड़ोस के घर में कोई मौत हो गई है तो मौत का जो गम है या सन्नाटा है वो भी आपको परेशान करेगा। आप सोचें कि हम तो पड़ोसी से रिश्ते ही नहीं रखते, हम तो बहुत बिजी हैं, हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन शादी का शोर हो या मौत का सन्नाटा हो आपको भी परेशान करेगा, आप अपने घर में अकेले बैठ के कुछ नहीं रह सकते, इसीलिए आप सही कह रहे हैं, उसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो उसको समाज से जुड़ाव होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है वो। एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करें? लेखन का जो क्षेत्र है कुछ समय तक केवल पुरुषों का ही क्षेत्र अधिकार माना जाता था, तो आप क्या चाहती हैं कि आपके साथ बाकी लोगों का व्यवहार कैसा होना चाहिए जो लेखन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं? मैं चाहती हूँ कि वो मुझे भी बराबरी का सम्मान दें, सम्मान की दृष्टि से दें, क्योंकि जो कोई भी महिला है अगर या लड़की है उसकी आप खूबसूरती की प्रशंसा करोगे तो वो ज्यादा प्रभावित नहीं होगी, उसके बजाय अगर आप उसके गुणों की प्रशंसा करोगे तो वो बहुत ज्यादा खुश रहेगी। और एक जो महिला है वो प्यार मोहब्बत करने वाले को भूल सकती है एक बार तो, लेकिन जो उसका सम्मान करता है उस व्यक्ति को वो जिंदगी भर नहीं भूलती, भूलती नहीं है, बिल्कुल बराबरी का सम्मान चाहिए। बिल्कुल उनको प्रशंसा नहीं करती कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आपने बहुत सुंदर साड़ी पहन रखी, आप बड़ी सुंदर लग रही हैं। इसकी बजाय मैं भी चाहूंगी कि कोई मुझे ये कहे कि आपने बहुत अच्छी कहानी लिखी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना कहने का अर्थ यही है कि बाह्य सौंदर्य के स्थान पर जो लोग गुणों के सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं वही आपको ज्यादा ठीक लगते हैं और यही आपके लेखन का उद्देश्य है। अंतिम प्रश्न जानना चाहूंगी कि ये लेखन की प्रेरणा आपको कैसे मिली और इतनी अच्छी कहानी आप कैसे लिख लेती हैं? इसके लिए तो एक ही हैं और वो मेरे पिता हैं, और मैं आज जो कुछ भी हूँ सब उनकी वजह से हूँ। प्रेरणा और इस तरह से लिखना चाहिए, उनकी कहानियाँ मेरे लिए एक लेखन की या लिखने की धार्मिक ग्रंथ की तरह हैं कि जिसको मैं पढ़ती हूँ बार बार और मुझे पता चलता है कि मुझे इस तरह से लिखना चाहिए। मेरे जीवन में जो कुछ भी आज मैं हूँ जो भी हूँ उसका सभी पूरा श्रेय उनको जाता है और मेरी मम्मी को भी जाता है, जो भले ही ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी पर उन्होंने कभी हम बहनों को मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोका कि पापा को कि इनकी शादी कर दो, इनको क्यों पढ़ा रहे हो इतना। तो मैं इसका श्रेय अपने माता पिता दोनों को देती हूँ कि उनकी इतनी माहौल ऐसा था कि जिससे आप यहाँ तक पहुंच पाई बचपन से ही। जी, मेरे पास पेन कॉपी किताब कहानियां नॉवेल किसी की कोई कमी नहीं थी, तो मुझे एक भरपूर माहौल मिला बचपन से ही पढ़ने लिखने का। हालांकि मैंने शुरुआत में लिखना बंद कर दिया था, जिसको मैं दुनियादारी कहती हूँ, मैं उधर चली गई थी कि अब डॉक्टर बनना है और ये करना है, वो सब अंत में जाकर मुझे बीएससी के बाद समझ में आया कि लिटरेचर ही मेरे जीवन में सबसे ज्यादा मुझे खुशी देता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हर व्यक्ति का जैसे एक अलग हॉबी होती है, एक अलग शौक होता है और उसी में उसको आनंद की अनुभूति होती है, तो शायद आपको भी ईश्वर ने ये एक शौक दिया, हॉबी दी कि लेखन के माध्यम से आप उस शक्ति एनर्जी साहस और आनंद की अनुभूति करती है। बहुत बहुत धन्यवाद तरुणा जी आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, आप इसी प्रकार से लिखती रहें और सभी को इस आनंद से सरोबार करती रहे। जी जी, आपका भी धन्यवाद और श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमसे जुड़े हैं। एक बार फिर पुनः धन्यवाद।